हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग अंडर 20,000 ऐसे फ़ोन की तलाश कर रहे हैं जो फ़ोन ऑलराउंडर अच्छा हो और उसका जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी अच्छा हो और कैमरा भी बहुत अच्छा हो, तो आप लोगों के लिए ऐसे नया 5G फ़ोन लेके आया हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला फ़ोन है वो हम लोग का है पोको X6 और ये 5G फ़ोन है। इसमें आप लोगों को 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले आप लोग को मिल जाता है और ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। इसका जो वीडियो व्यूइंग एंगल है ये भी काफ़ी अच्छा है और इसमें जो हम लोग कैमरा मिलता है वो है 64 मेगापिक्सल का कैमरा हम लोग को मिल जाता है और जो फ्रंट कैमरा है वो हम लोग को 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। इससे हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और जो फ्रंट कैमरा है उससे हम लोग 1080 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग उसका स्टोरेज की बात करें तो इसमें जो हम लोग सबसे जो स्लो और सबसे बोले तो लोअर वेरियंट है वो है 6GB + 128GB है और इसका जो हम लोग को प्रोसेसर मिलता है इसमें सबसे तगड़ा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर है और ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा ज़्यादा नहीं, यहाँ से बहुत कम है, वो है 15,999। और जो नेक्स्ट फ़ोन है हम लोग का वो है Realme Narzo 70 Pro और ये फ़ोन भी काफ़ी तगड़ा फ़ोन है। इसमें भी आप लोगों को मिल जाता है 6.67 इंचेस का आप लोग को एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और इसमें हम लोग कैमरा का बात करें तो इसमें जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का और इसमें हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग का बात करें तो इसमें हम लोग 1080 हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो भी 30 FPS तक। और इसका जो रैम एंड रोम है तो हम लोग को 8GB रैम मिलता है और 128GB इंटरनल मेमोरी मिलता है, तो आपको स्टोरेज के लिए कोई टेंशन नहीं होगा। और इसका जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Dimensity 7050, ये 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये प्रोसेसर। और इसका जो बैटरी हम लोग को 5000mAh का बैटरी मिल जाता है जो कि 67W का फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है और ये काफ़ी फास्ट आपका फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा, जिससे आप लोग इसको थोड़ा देर में फुल चार्ज करके आप लोग कहीं भी घुमाने के लिए जा सकते हैं या तो वीडियो शूट के लिए जा सकते हैं। और जो थर्ड फ़ोन है वो हम लोग का है Realme 12 Plus और ये फ़ोन भी लेटेस्ट लॉन्च है और ये भी 5G फ़ोन है। इसमें हम लोग को जो डिस्प्ले मिलता है वो है 6.67 इंचेस का हम लोग को एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा है। इसमें हम लोग को IP54 का डस्ट एंड स्प्लैश रेसिस्टेंट हम लोग मिल जाता है और उसका जो ग्लास है वो ग्लास फ्रंट मिलता है और हम लोग को जो बैक फ्रेम है वो प्लास्टिक का फ्रेम है। इसमें भी हम लोग को 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हम लोग को मिल जाता है जो कि मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल और इसमें हम लोग 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वो भी 30 FPS तक। और इसका जो रैम एंड रोम है वो है 6GB + 128GB हम लोग को मिल जाता है और उसका जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Dimensity 7050 और यह भी 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसमें हम लोग को 5000mAh का बैटरी मिल जाता है जो कि पूरा डे हम लोग आराम से सपोर्ट कर सकता है। और इसमें हम लोग पिक ब्राइटनेस का हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग 2000 nits का पिक ब्राइटनेस मिलता है और ये फ़ोन अभी न्यू लॉन्च हुआ है और ये 5G फ़ोन है। और जो नेक्स्ट हम लोग का जो चौथा फ़ोन है वो है Motorola G54 और ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा फ़ोन है ये, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा छोटा है। इसमें 6.5 इंचेस का हम लोग को सुपर एमोलेड डिस्प्ले हम लोग को मिल जाता है और ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। इसमें जो इसका जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसमें हम लोग को प्रोसेसर 7020 का हम लोग को प्रोसेसर मिलता है जो कि MediaTek Dimensity है और फिर हम लोग को 50 मेगापिक्सल का हम लोग को फ्रंट कैमरा मिल जाता है और जो हम लोग रियर कैमरा का बात करें तो इसमें हम लोग को 16 मेगापिक्सल का हम लोग को कैमरा मिल जाता है। और उसमें हम लोग को जो रैम एंड रोम हम लोग बात करें तो उसमें 4GB RAM + हम लोग को 64GB का इंटरनल हम लोग को मिल जाता है और उसका जो बैटरी है वो हम लोग को 5000mAh का बैटरी मिलता है जो कि 15W का फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। ये थोड़ा स्लो चार्ज करता है लेकिन इसका जो बैटरी लाइफ है ये काफ़ी हद तक अच्छा है। और जो थर्ड है हम लोग का वो है Samsung Galaxy M35। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, आप लोग ये इस फ़ोन को ले सकते हैं। ये फ़ोन मतलब इसका प्राइसिंग के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। इसमें अगर हम लोग डिस्प्ले का हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग को 6.6 इंचेस का हम लोग को सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, उसमें हम लोग को गोरिल्ला ग्लास का हम लोग को प्रोटेक्शन मिल जाता है और उसका जो वाटर रेसिस्टेंट है वो हम लोग को इसमें वो टेक्नोलॉजी हम लोग को IP68 का रेटिंग हम लोग मिल जाता है। और इसमें जो हम लोग कैमरा का बात करें तो इसमें ये है 50 मेगापिक्सल का हम लोग को फ्रंट कैमरा मिल जाता है और फिर रियर कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हम लोग दोनों से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं। और इसका हम लोग रैम एंड रोम का बात करें तो इसमें हम लोग को 6GB RAM + 128GB
इंटरनल मेमोरी हम लोग को मिल जाता है, और इसका जो प्रोसेसर है वो है एक्जीनोस 1380 का प्रोसेसर हम लोग को मिल जाता है। और सबसे बढ़िया इसमें लोगों को जो बैटरी है, इसमें हम लोग को 6000 mAh का बैटरी मिल जाता है, जो कि 25 वायरलेस फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और ये थोड़ा जल्दी चार्ज करता है, लेकिन उतना भी जल्दी चार्ज नहीं करता है। लेकिन सबसे अच्छा आप लोग इसमें यह है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले हम लोग को आप लोग को मिल जाता है, तो आप लोग इस फ़ोन को ले सकते हैं, क्योंकि ये सैमसंग का है और ये ट्रस्टेड भी है। तो गाइस आप लोगों को जितना भी मैं आप लोगों को ये फ़ोन बताया, पांचों फ़ोन से आप लोग अपना बजट के हिसाब से ले सकते हैं। ये पांचों फ़ोन काफ़ी अच्छा है, आप लोग जो चाहे और जब चाहे आप लोग ले सकते हैं, बस आप अपना प्राइस का ध्यान रखें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ऐसे कुछ दूसरा फ़ोन चाहिए या तो कुछ भी आप लोगों को किसी के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप लोग उसको कमेंट कर दीजिए। तो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।